आदाब, मेरा नाम रुशल है और आप देख रहे हैं आजम कैंपस का एक वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हम बात करेंगे गूगल क्लासरूम के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का समय है और सारे स्कूल्स टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन टीचिंग पे शिफ्ट हो गए हैं। हम लोग जूम का और गूगल मीट्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन गूगल क्लासरूम से हम अपनी टीचिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जिससे हम लोग बच्चों का प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं, हम उनके साथ लर्निंग मटेरियल शेयर कर सकते हैं, हम उनको असाइनमेंट्स दे सकते हैं, वो उनसे ले सकते हैं, उसको ग्रेड करके वापस उनको लौटा सकते हैं और इस तरह से अपनी सारी टीचिंग अलग अलग क्लासेस जो हम पढ़ाते हैं उसको बहुत खूबी से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं और यहाँ तक कि ग्रेड्स भी हमको कैलकुलेट करने में गूगल क्लासरूम मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं गूगल क्लासरूम का ये डेमोन्स्ट्रेशन। शुरुआत करने के लिए हम लोग गूगल के ही से ही शुरू कर सकते हैं, google.com। सिंपल दो तरीके हैं, या तो हम लोग सीधा classroom.google.com टाइप करें और उससे पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि राइट साइड पे 9 dots हैं जो गूगल एप्स का है और इसमें हम लोग अलग अलग एप्स देख सकते हैं और यहाँ नीचे क्लासरूम का ऐप है, इसको भी क्लिक करके हम लोग गूगल क्लासरूम तक पहुँच सकते हैं। और ये है गूगल क्लासरूम का डैशबोर्ड। तो हम लोग जिन जिन भी क्लासरूम्स का हिस्सा है वो सारे क्लासरूम्स एक एक करके हमको यहाँ दिखते हैं। ये जो पहली क्लासरूम दिख रही है स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स, इस क्लास में मैं एक टीचर हूँ। और ये जो दूसरी क्लासरूम दिख रही है BSc SY, मैंने इस क्लास को एनरोल किया है, यानी कि मैं इस क्लास में स्टूडेंट हूँ। तो आप यहीं से फर्क देख के पहचान सकते हैं, टीचर की क्लास में यहाँ कुछ एरोसा लगा हुआ है और स्टूडेंट की क्लास में कुछ अलग है, तो इससे हमको फर्क भी समझ में आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं टीचर्स का कैसे गूगल क्लासरूम दिखता है। तो ये इसका ओपनिंग पेज है, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि आपकी क्लास का नाम है और डिटेल्स हैं। यहाँ पे एक सुंदर सा डैशबोर्ड है और यहाँ पे जो फोटो लगी है पीछे, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग थीम्स हैं, कुछ फोटो अपना खुद का भी अपलोड कर सकते हैं। और ये पूरा इसका कैसे दिखता है वो है, आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे 4 tabs हैं, एक का नाम है स्ट्रीम, दूसरे का नाम है क्लासवर्क, तीसरे का नाम है पीपल, चौथा है मार्क्स। तो सबसे पहले हम लोग पीपल टैब्स देखते हैं और ये हमको दिखाता है कि इस क्लास में कौन कौन टीचर्स हैं या को टीचर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरा नाम तो दिख ही रहा है एज अ टीचर, लेकिन मैं यहाँ पे इनवाइट टीचर्स करके मैं और टीचर्स को जोड़ सकता हूँ। तो ये स्कूल्स के काम इस तरह आ सकता है कि मान लीजिए एक ही क्लास में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो कॉमन एक क्लासरूम में जुड़ के लर्निंग मटेरियल बना सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे ही सुपरवाइजर्स या प्रिंसिपल भी एज अ को टीचर इसमें रह सकते हैं। जितने टीचर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे वो सभी लोग इस क्लासरूम को पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं, वो इसमें लर्निंग कंटेंट जोड़ सकते हैं। टीचर्स के नीचे है स्टूडेंट्स और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम दिख रहे हैं। यहाँ पे भी एक इन्वाइट का बटन है जिसमें इन्वाइट करके सीधा ईमेल टाइप कर सकते हैं और बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है कि गूगल क्लासरूम जो है हर क्लासरूम को एक कोड देता है। हम लोग जब यहाँ पे मेन पेज पे थे तो क्लासरूम के ही नीचे क्लास कोड दिखा है और यहाँ पे एक बटन है जिसको मैं दबा के इसको बड़ा भी कर सकता हूँ और इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है IGJN5QA, ये मेरी इस स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स की क्लास का कोड है। अगर मैं और क्लासरूम बनाऊंगा तो उसके कोड और अलग अलग बन के आएंगे। तो हर टीचर का और हर क्लासरूम का एक यूनिक कोड होता है और जब ये कोड हम अपने बच्चों के साथ व्हाट्सएप पे या अगर हम जूम कर रहे हैं तो अपना स्क्रीन शेयर करके उनके सामने रख देंगे तो बच्चे अपने टैब या अपने मोबाइल से जब वो गूगल क्लासरूम को एक्सेस करेंगे तो वो ये कोड डाल के आपकी क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये है गूगल कोड। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और सेटिंग्स दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर ही एक गेयर आइकन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो क्लास की सेटिंग्स आती हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्लास सेटिंग्स और इसमें क्या क्या है, क्लास डिटेल्स हैं, तो क्लास का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, सेक्शन है, रूम, सब्जेक्ट, ये सारे डिटेल्स जो है टीचर्स अपने हिसाब से भर सकते हैं। फिर नीचे देखिए जनरल सेक्शन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर है क्लास कोड और ये वही कोड है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। हम इस कोड को डिस्प्ले, कॉपी, रीसेट या डिसेबल कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कोड एंटर नहीं कर सकते, अगर हम रीसेट करेंगे तो ये कोड चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जनरेट होके एक नया कोड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ मीट का भी एक आइकन दिखता है, गूगल मीट, जिसका मतलब ये है कि ये जो इसने लिंक दिया हुआ है ये
इस लिंक को हम बच्चों के साथ शेयर करके सीधा गूगल मीट से अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन भी दे रहा है कि जब क्लास का नाम डिस्प्ले होता है, क्लास का कोड डिस्प्ले होता है, तो मीट का लिंक हमको दिखना चाहिए या नहीं। तो ये है क्लास की सेटिंग्स। अगर हम वापस आए अपने मेन पेज पे तो देखिए क्लास कोड के नीचे मीट की लिंक है, ये वही लिंक है जो अभी हमको सेटिंग्स में दिख रही थी। तो चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रीम टैब को कैसे यूज करना है। तो ये बहुत ही आसान सा है, और स्ट्रीम टैब जो है जैसे नॉर्मली हम लोग अपने फेसबुक की वॉल यूज करते हैं उसी तरह का है। आप जब भी कोई नया अनाउंसमेंट करते हैं या कोई नया लर्निंग मटेरियल ऐड करते हैं या कोई असाइनमेंट ऐड करते हैं तो उसकी खबर यहाँ पे आती रहती है और सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। अब इसमें एक यूनिक फीचर गूगल क्लासरूम ने यह दिया है कि ये जो पोस्ट किया जा रहा है, अभी ये सारे मैंने पोस्ट किए हैं एज अ टीचर, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को थोड़ा और फ्रीडम दे सकते हैं और बच्चे आपकी पोस्ट पे कुछ कमेंट्स भी लगा सकते हैं। तो जब ये बच्चों को दिख रहा होगा तो वो इसके नीचे कमेंट दबा के उस पर कुछ कमेंट डाल सकते हैं। और अगर आप और थोड़ा बच्चों को फ्रीडम देना चाहते हैं तो बच्चों को भी पोस्ट करने के लिए कहा जा सकता है, जिसका मतलब है बच्चे भी पोस्ट कर सकते हैं और बच्चे भी आपस में एक दूसरे के पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं या फिर टीचर्स के पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस हमको अवेलेबल है, जैसे हमको क्लासरूम चलानी है हम लोग अपने हिसाब से चला सकते हैं। नॉर्मली दुनिया भर में गूगल क्लासरूम जो यूज करते हैं टीचर्स, वो इस स्ट्रीम पेज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों के साथ थोड़ा इनफॉर्मली कनेक्ट होने के लिए। जैसे पूछ सकते हैं वीकेंड कैसा रहा, मैंने वीकेंड पे ये किताबें पढ़ी, आपने कुछ कुछ पढ़ा क्या, तो बच्चे उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रीम टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर वो सब नहीं करना, तो सिर्फ अनाउंसमेंट्स यहाँ होती रहेंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टैब पे, क्लासवर्क टैब, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टैब है। जैसा कि मैं कह रहा था कि टीचर्स जो हैं इसमें अपना लर्निंग मटेरियल नया नया बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर कोई असाइनमेंट्स शेयर कर सकते हैं, तो वो ये जितने भी आपको लिस्ट दिख रही है ये सारे वो तमाम असाइनमेंट्स और लर्निंग मटेरियल है जो मैंने बच्चों के साथ इस गूगल क्लासरूम में शेयर किया है। तो अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करूं तो ये सिंपल है, मैथ्स का सिलेबस है स्टैंडर्ड 7 का, और जैसे ही मैं इसे खोलता हूं एक मैसेज है बच्चों के नाम और एक PDF फाइल है जो बच्चे खोल के अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो ये मैथ्स का एक सिलेबस है, और साथ ही में मैंने एक इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट भी दे दिया, और इस असाइनमेंट में मैंने इतना ही पूछा है कि जो आपने सिलेबस देखा उसमें से दो ऐसे लेसन्स का नाम बताइए जो आपको बहुत पसंद आएंगे पढ़ना, आप जिसको पढ़ना चाहेंगे, तो मेरे को थोड़ा बच्चों से कनेक्ट होने का फायदा मिल जाता है, मौका मिल जाता है। और साथ ही में मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बच्चों के लिए कि बच्चे कैसे वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करेंगे, तो उसके बारे में हम वीडियो में थोड़ा आगे बात करेंगे, तो अभी हम इस पे आगे चलते हैं। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ कि लेसन 1 लिखा है, उसके अंदर भी बहुत सारा लर्निंग मटेरियल है, असाइनमेंट है। अब तक आपकी शायद नजर पड़ गई होगी कि जब मैं लर्निंग मटेरियल बोलता हूँ तो उसका आइकन कुछ इस तरह से है, और जब मैं असाइनमेंट बोलता हूँ तो उसका आइकन थोड़ा सा अलग है, एक नोटपैड जैसा दिखता है, तो इससे हमको फर्क समझ में आता है। तो यहाँ पे अलग अलग लर्निंग मटेरियल और असाइनमेंट्स जो हैं वो पोस्ट किए हुए हैं। आप ये भी देख सकते होंगे कि कुछ कुछ पे ड्यू डेट लिखी हुई है, जैसे ये असाइनमेंट 1 जो है ये 30 मई को ड्यू था शाम को 5 बजे तक का, तो इसमें हम ये भी सेट कर सकते हैं कि असाइनमेंट्स की लास्ट डेट क्या है। ये बाकी के लेसन्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये लर्निंग मटेरियल क्रिएट कैसे किया जाता है। तो उसके पहले मैं आपको इतना बता दूं कि हम ये जितनी भी स्पेस है इसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ऑल टॉपिक्स दिख रहा है, और उसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स भी दिख रहे हैं। तो मैंने ऐसे सेट किया है कि टेक्स्ट बुक में जो लेसन्स हैं मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाना चाहता हूँ उसको मैं लेसन 1, 2, 3, 4 कह रहा हूँ, और उसमें मैंने हर एक लेसन के लिए एक अलग टॉपिक क्रिएट कर दिया है। तो ये 3 टॉपिक्स तो पहले से क्रिएटेड थे, और चौथा वाला मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा ताकि आप भी समझ पाएं कि कितनी आसानी से हम लोग इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हमको आना होगा सबसे ऊपर, और ये क्रिएट का बटन है, और इसको दबाएंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। टॉपिक एक ऑप्शन है, फिर असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन मटीरियल, रीयूज पोस्ट। तो शुरुआत करते हैं हम लर्निंग मटीरियल से, क्योंकि जब हम चौथा लेसन शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि बच्चे जो हैं उसका लर्निंग मटेरियल देखें। तो मैं मटेरियल पे क्लिक करता हूं, तो इसने एक नया पेज खोल दिया है, और मुझे यहां पे सिर्फ उसका टाइटल देना है, कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, यहां पे ऐड करने के लिए चीजें हैं, देखिए कितने ऑप्शंस हैं, गूगल ड्राइव से मैं कोई फाइल इसमें दे सकता हूं, या कोई वेबसाइट की लिंक मेरे को मालूम होगी तो वो मैं शेयर कर सकता हूं, कोई मेरे डेस्कटॉप पे फाइल शेयर्ड है,
स्टोर्ड है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ या फिर कोई यूट्यूब का वीडियो भी दे सकता हूँ, और अगर पहले से कुछ स्टोर नहीं है अभी मैं कोई कुछ क्रिएट करना है वो भी कर सकता हूँ। ये डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट्स, ड्रॉइंग ऑफ फॉर्म्स, ये सारे ऑप्शन इसने मेरे को दे दिए। इसके राइट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखता है फॉर, और ये भी डिसेबल्ड है। ये दरअसल क्लासरूम का नाम दिखा रहा है, और अगर मैं एक से ज्यादा क्लास का टीचर होता तो वो ये सारे तमाम क्लासरूम्स का नाम यहाँ दिखाता, और मैं सेलेक्ट कर सकता था कि कौन सी या कौन कौन सी अलग अलग क्लासेस में मेरे को ये लर्निंग मटेरियल देना है। तो मान लीजिए कि मैं क्लास 7 में 2 सेक्शंस में या 3 सेक्शंस में पढ़ाता हूँ और मैंने सबकी अलग अलग क्लासरूम बनाई है, तो मैं एक साथ सारी क्लासरूम्स में पोस्ट कर सकता हूँ। फिर उसी तरह ये क्लासरूम की तरह यहाँ स्टूडेंट्स है, तो अगेन ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि ये सारे स्टूडेंट्स को जाना है, या फिर अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर लूँ और फिर मैं कुछ पर्टिकुलर 3 या 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लूँ तो सिर्फ वो 3 स्टूडेंट्स को ही ये मटेरियल जाएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है, एकदम टीचर के हाथ में कंट्रोल दे देता है। और फिर लास्ट में ये पूछता है कि इसको किस टॉपिक में डालना है, तो जो टॉपिक्स हमने क्रिएट किए थे वो सब यहाँ पे लिस्ट करके दिख रहे हैं। नो टॉपिक यानी कि बस ऐसे ही जनरल छोड़ना है, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या फिर लर्निंग मटेरियल क्रिएट करते समय आपको एक नया टॉपिक क्रिएट करना है, मान लीजिए लेसन 5-6, तो आप यहाँ से नया टॉपिक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपके सामने ये एक टेक्स्ट बुक का डाल देता हूँ। सो ये जो लेसन है हमारा, इस लेसन का नाम है एल्जेब्रिक फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वेयर्स, ये इस लेसन का नाम है। मैं इसको कॉपी भी करके रख लेता हूँ दोबारा यूज करना पड़े तो, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स प्लीज यूज दिस टेक्स्ट बुक लेसन एज अ रेफरेंस फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड सबमिटिंग असाइनमेंट्स। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैंने बच्चों के नाम डाल दिया, और अब मैं ऐड करता हूँ। तो मैंने इसका PDF फाइल ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे शेयर किया है, तो मैं गूगल ड्राइव पे जा रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ टेक्स्ट बुक, ये मैंने टेक्स्ट बुक के नाम से किया था और भी कई सारी थी, तो ये एक साथ मेरे को दिखा देगा। सो एल्जेब्रिक फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वेयर्स टेक्स्ट बुक, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये हो गया है। अब मैं स्टूडेंट्स तो सभी को देना चाहता हूँ, टॉपिक होगा मेरा 4th वाला एल्जेब्रिक फॉर्मूले, और अब यहाँ पे ऊपर मैं पोस्ट कर सकता हूँ, और पोस्ट में भी इसने मेरे को 3 ऑप्शन दिए हैं। सिर्फ पोस्ट किया तो ये तुरंत पोस्ट हो जाएगा, अगर मैं चाहूँ तो इसको कल सुबह या परसों सुबह या नेक्स्ट वीक में जब भी जितना भी आगे का प्लान करना चाहूँ इसको शेड्यूल कर सकता हूँ। अगर मैं शेड्यूल दबाता हूँ तो ये मेरे को डेट पूछता है, मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी टाइम भी दे सकता हूँ। यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट 10 लिया है, लेकिन मैं 8 बजे 9 बजे जो चाहे यहाँ पे लिख सकता हूँ और शेड्यूल दबा सकता हूँ। अभी मैं शेड्यूल नहीं कर रहा, अभी हम लोग इसको डायरेक्ट पोस्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि इसको मैं एज अ ड्राफ्ट भी सेव कर सकता हूँ, और दोबारा कभी जब नेक्स्ट टाइम मैं प्लानिंग करने के लिए बैठ रहा हूँ तो थोड़ा सा मैंने अभी काम करके रख दिया है, बाकी काम मैं तब कंप्लीट कर सकता हूँ और फिर पोस्ट या शेड्यूल कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं, तो ये तुरंत अगर हम जाके नीचे स्क्रोल करें तो लेसन 4 में उसने ये एल्जेब्रिक फॉर्मूले का टेक्स्ट बुक इसने शेयर कर दिया, और ये वो मैसेज और ये वो PDF फाइल। तो इतनी आसानी से इसमें पोस्ट हो गया। अब अगला हम जो पोस्ट करेंगे वो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों को इसी टॉपिक पे। मेरी क्लास हो चुकी है जूम पे, लेकिन मैंने अब रेफरेंस के लिए एक वीडियो दिया है। तो ये देखिए, ये एक अरविंद गुप्ता टॉयज वेबसाइट है, और उस पे ये उसकी यूट्यूब चैनल पे एक बहुत अच्छा वीडियो है कि a+b2 कैसे हम लोग विजुअली समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस क्लास वर्क में आऊंगा, क्रिएट में जाऊंगा, लर्निंग मटेरियल में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्क्वेयरिंग ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वीडियो, और लिख दूंगा प्लीज वॉच दिस वीडियो टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। और अब वापस एड में जाऊंगा, अब की बार मैं YouTube सेलेक्ट करूंगा, तो फिर ये मेरे को इस तरह का एक
डायलॉग बॉक्स ओपन करता है जिसमें मैं या तो YouTube का सर्च कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे URL लिखा है यानी कि डायरेक्ट में वेबसाइट का एड्रेस जो यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में दिखता है इसको लेके मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और इधर आके पेस्ट कर दूंगा। तो इसने अपने आप वो वीडियो यहाँ पे लगा दिया, एड बन गया। अब वापस कौन से टॉपिक में देना है तो मैं ये इसको लेसन 4 में देना चाहता हूँ, सारे बच्चों को देना है और इसी वक्त पोस्ट करना है तो पोस्ट। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे सारे टॉपिक्स में तो लेसन 4 में ये हमारा वीडियो पोस्ट हो गया मैसेज के साथ। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक ऊपर रहे तो मैं इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीक्वेंसिंग कर सकता हूँ। तो इतनी आसानी से हमने वीडियो भी डाल दिया। अब मैं जो तीसरी चीज करना चाहता हूँ वो मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई है, आप टीचर्स ने भी कईयों ने बनाई होगी, तो मैं प्रेजेंटेशन भी बच्चों को शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या तरीका होगा, वापस ऊपर जाएंगे, क्रिएट लर्निंग मटेरियल, अब की बार मैं ऐड करूंगा एक गूगल ड्राइव से प्रेजेंटेशन। तो ये मैं गूगल ड्राइव पे जाता हूँ और मैं अगर उस प्रेजेंटेशन में था एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नाम था उसका, तो ये रहा एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड सॉल्विंग एलजेब्रिक इक्वेशंस। तो ये जो फाइल है मैं शेयर करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे अटैच हो गई और यहाँ पे मैं ऊपर टाइटल इसका दे सकता हूँ कि प्रेजेंटेशन ऑन एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स को प्लीज वॉच दिस वीडियो बिफोर सॉल्विंग असाइनमेंट्स। तो ये हो गया, अब बताइए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। जी हाँ, टॉपिक मेरे को लेना है और ऊपर जाके पोस्ट, और ये आप देखेंगे नीचे तीसरा वाला भी पोस्ट हो गया, सबसे ऊपर हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये सबसे नीचे रहे। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक आ गई, उसके बाद एक यूट्यूब का वीडियो आ गया, मेरी प्रेजेंटेशन आ गई। तो ये तमाम लर्निंग रिसोर्सेज मैंने बच्चों के साथ शेयर कर दिए, ये सारे लर्निंग मटेरियल है। इसके अलावा मैं एक और बढ़िया चीज बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो है एक वेबसाइट। तो ये जो है ये फ्री मैथ वर्कशीट्स, ये एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट है जिसमें खासतौर से मैथ्स के टीचर्स के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आपको तो रेडीमेड इसमें तमाम वर्कशीट्स मिल जाएंगी, सिर्फ इसको डाउनलोड करना है और आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये नीचे मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें मैथ फ्लैश कार्ड्स, डॉट मैथ गेम और सुडोकू मैथ गेम, यूनिट कन्वर्टर। तो ये भी बड़ी एक्साइटिंग चीजें हैं बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसको भी यूज करें, इसको भी एक्सप्लोर करें। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस वेबसाइट का एड्रेस कॉपी कर लूंगा और मैं दोबारा ऊपर जाके एक लर्निंग मटेरियल क्रिएट करूंगा और उसका टाइटल मैं दे दूंगा एन इंटरेस्टिंग वेबसाइट टू एक्सप्लोर, और यहाँ पे मैं उसकी लिंक जो दूसरा ऑप्शन था वहां पे इसको लिंक दे दूंगा। तो ये ऐड हो जाएगा और ये वेबसाइट यहाँ दिखा रही बच्चों को। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स प्लीज एक्सप्लोर दिस वेबसाइट, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द स्पेशल मैथ games on this at the bottom of the site। और ये वापस मैं टॉपिक सेलेक्ट करूंगा एलजेब्रिक फॉर्मूले और उसमें पोस्ट। तो हमने अलग अलग तरीके का लर्निंग मटेरियल क्रिएट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसमें असाइनमेंट कैसे क्रिएट करनी है। वापस मैं आऊंगा क्रिएट में, लेकिन अब की बार मैं मटेरियल में नहीं जाते हुए असाइनमेंट में जाऊंगा और वापस ये मेरे को एक उसी तरह की विंडो खोल के देगा। तो आप देख रहे हैं कि टाइटल, इंस्ट्रक्शंस, ऐड, क्रिएट, कौन सी क्लासरूम, स्टूडेंट, ये सब तो सेम है लेकिन थोड़ा बदल गया। अब यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, यानी कि मैं इस जो मैं असाइनमेंट बच्चों को दूंगा और बच्चे जब मुझको ये सबमिट करेंगे
तो मैं उनको मार्क्स दे सकता हूँ और मैं चेंज कर सकता हूँ, ये 100 है मैं इसको 50 कर सकता हूँ, कोई भी मार्क्स दे सकता हूँ मैं, या फिर मैं इसको अनमार्क्ड भी छोड़ सकता हूँ, पर मैं अभी 50 मार्क्स दे रहा हूँ। और इसकी ड्यू डेट भी सेट कर सकते हैं, तो आज 1 जून है, मैं चाहता हूँ कि ये असाइनमेंट जो है 5 जून तक मेरे पास आ जाए और शाम को 5 बजे तक आनी चाहिए, तो मैंने वो भी लिख दिया 1700 और ये सेट हो गया। अब मैं असाइनमेंट जाता हूँ, मैंने गूगल डॉक्स में ये असाइनमेंट पहले से ही तैयार करके रखा था, तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आपकी बार मैं गूगल ड्राइव पे जाऊँगा, और जब मैं गूगल ड्राइव पे पहुँचूंगा तो फिर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ असाइनमेंट, और ये जो असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 10 स्क्वेयरिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये मैंने बना के रखी थी असाइनमेंट पहले से ही, आपको भी दिखा देता हूँ ये कैसी दिखती है। मैंने सिर्फ इस असाइनमेंट पे क्लिक किया तो इसने बाजू में एक और विंडो खोल दी, एक और टैब खोल दिया, और ये मेरा असाइनमेंट था। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2x+3 होल स्क्वायर और इस तरीके से क्वेश्चन है, बच्चे इसके आंसर ही इसके आगे आंसर लिख के दे सकते हैं। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ और वापस इस पे आते हैं, और मैं इसको टाइटल दे दूंगा असाइनमेंट, और ये क्योंकि मैं 9 असाइनमेंट्स दे चुका हूँ तो ये 10वां असाइनमेंट है, और इसका नाम है स्क्वेयरिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन द शेयर्ड गूगल डॉक इटसेल्फ एंड सबमिट। और यहाँ पे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर इन्होंने दिया हुआ है, 3 ऑप्शन देता है कि स्टूडेंट्स कैन व्यू द फाइल, स्टूडेंट्स कैन एडिट द फाइल, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स कैन व्यू द फाइल का मतलब इतना है कि बच्चे बस इस फाइल को देख सकते हैं, इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, और वो एक नई फाइल बना के आंसर हमको भेजेंगे। स्टूडेंट्स कैन एडिट द फाइल का मतलब ये है कि बच्चे इस फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, और इतना ही नहीं बच्चे आपस में शेयर भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए 4 या 5 बच्चों ने ग्रुप बनाया और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट मैंने दिया था, उस पर बच्चे काम कर रहे हैं, वो इंग्लिश का या हिस्ट्री का किसी का भी हो सकता है, सब लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया, एक पेज किसी एक स्टूडेंट ने, दूसरा किसी दूसरे स्टूडेंट ने, उस तरीके से भी ये कंबाइंड असाइनमेंट दिया जा सकता है। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, इसमें गूगल ड्राइव गूगल क्लासरूम ऑटोमेटिकली हर बच्चे के लिए अपनी अलग से एक फाइल क्रिएट कर देगा, जिसमें वो सबसे पहले उस बच्चे का नाम आएगा, फिर इस असाइनमेंट का नाम आएगा, और उसके बाद उसको वो जब बच्चे उसमें काम करेंगे तो वो टीचर के पास सबमिट हो जाएगा। तो ये सबसे फायदेमंद चीज है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मैं ऑल स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ, बाकी डिटेल्स मैंने भर दिए हैं। टॉपिक इसका रहेगा वापस से लेसन 4, और असाइन करते समय भी वही 3 ऑप्शन है, असाइन तुरंत करना है, शेड्यूल करना है, या ड्राफ्ट करना है। तो मैं इसको असाइन कर दूंगा और ये असाइनमेंट जो है सेट हो गया। अब आप देखेंगे तो नीचे अगर हम स्क्रॉल करके आ जाएं तो असाइनमेंट नंबर 10 ये आ गई, इसको हम खोल सकते हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 handed in 7 assigned, इसका इतना ही मतलब है कि 7 बच्चे इस क्लास में, सबको ये असाइनमेंट चली गई है और 0 बच्चों ने हैंड इन यानी कि सबमिट किया है। तो गूगल क्लासरूम में सबमिट जो शब्द है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, हैंड इन या टर्न इन ये शब्द इस्तेमाल होता है, तो अभी तक किसी बच्चे ने दिया नहीं है इसलिए 0 है। जब मेरे 7 बच्चे कर लेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसको भी मैं सबसे नीचे पुश करूंगा, तो ये मेरी एक असाइनमेंट हो गई। और अब मैं आपको एक और स्पेशल तरह की असाइनमेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग है और मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है क्विज असाइनमेंट। और जब हम क्विज असाइनमेंट कहते हैं तो ये भी एक असाइनमेंट ही है, लेकिन ये गूगल फॉर्म का भी इस्तेमाल करती है। तो मैं अब जो असाइनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं इस लेसन के लिए नहीं, मैंने जो लेसन 1 पढ़ाया था मैं उसका करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनदर रैशनल नंबर्स असाइनमेंट, ये मैंने इस असाइनमेंट का नाम दे दिया है, और बच्चों को बोलूंगा प्लीज फिल आउट दिस क्विज असाइनमेंट। हो गया। अब यहाँ पर मैं ब्लैंक क्विज है और नीचे है ग्रेड इंपोर्टिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो भी बच्चे आंसर करेंगे गूगल ऑटोमेटिकली उस आंसर को चेक कर लेगा और वो ग्रेड भी हमारी ग्रेड बुक में इंपोर्ट कर देगा। तो इसको हमें हमेशा चालू रखना है, अभी ये चालू है।
तो मैं अब अगर ब्लैंक क्विज पे जाता हूँ तो ये एक नए टैब में एक ब्लैंक क्विज ले आएगा और इसका भी नाम मैं वही रखूंगा Another rational numbers assignment. मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे फॉर्म का टाइटल भी यही रहेगा Fill out this quiz. डेटा आप दे सकते हैं. अब मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा है -2 + 5 = और ये मैं एक बस क्वेश्चन सोच लिया है. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए. ये यहाँ पे मैं ऑप्शंस दे सकता हूँ. तो मान लीजिए मैंने इसका ऑप्शन दे दिया, बच्चे इसमें गलती करते हैं मुझे पता है, तो मैंने -3 एक गलत ऑप्शन दे दिया, मैंने 7 एक गलत ऑप्शन दे दिया. सही ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, -2 + 5 = +3, तो 3 एक दे देते हैं और एक और गलत ऑप्शन -7 ये दे देता हूँ. तो यहां तक तो गाड़ी ठीक है, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त फीचर इसका ये है कि आंसर की मैं इसको दबाऊंगा तो इसने मेरे को पूछा कितने पॉइंट्स के लिए है ये क्वेश्चन. मैं इस क्वेश्चन को 5 पॉइंट्स का बनाना चाहता हूँ, कितने भी बना सकते हैं, मैंने 5 पॉइंट्स का बना दिया. अब ये बोल रहा है सही आंसर कौन सा है वो बता दो, चूज द करेक्ट आंसर. तो इसका करेक्ट आंसर है +3, तो मैंने ये कर दिया. और ये बोलता है एड आंसर फीडबैक. तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकरेक्ट आंसर करेक्ट आंसर. तो मान लीजिए करेक्ट आंसर पे मैं बच्चे को थोड़ी शाबाशी देना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा एक्सीलेंट. और इनकरेक्ट आंसर पे मैं चाहता हूँ कि बच्चा थोड़ा और मेहनत करे, तो मैं यहाँ पे कुछ भी कमेंट दे सकता हूँ, ट्राई अगेन दे सकते हैं. और मैंने इसको सेव कर दिया और नीचे डन दबा दिया. और ये रिक्वायर्ड करने से, यहाँ पे इसको चेक करने से, ये आंसर दिए बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो गया. अब मैं एक और क्वेश्चन बना सकता हूँ. यहाँ पे ये प्लस का साइन दिख रहा है एड क्वेश्चन, ये करने से. लेकिन मैं थोड़ा टाइम बचाना चाहता हूँ और मेरे सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा डुप्लीकेट एक ऑप्शन है, तो मैं इसको दबाऊंगा तो इसने हूबहू उसका डुप्लीकेट तैयार कर दिया है. अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है. तो मान लीजिए अगला मेरा जो सवाल है वो है -2 - 5, और मुझे पता है कि इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं. तो कई बच्चों को लगता है कि अच्छा ये ऑलरेडी 7 ऑप्शन है इसलिए मेरे को पूछ रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पे 3 डाल सकता हूँ, 3 भी वो वही बोलेगा उसको, तो -3 डाल देते हैं. और अब की बार मैं इसका करेक्ट आंसर इसका -7 है. ठीक है, तो ये वापस ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं. अगेन आई विल गो टू आंसर की और सही आंसर सेलेक्ट करूंगा. -2 - 5 = -7. ये भी 5 पॉइंट्स का क्वेश्चन है और इसने ऑटोमेटिकली वो फीडबैक ले लिया है एक्सीलेंट और ट्राई अगेन. और मेरा एक आखिरी क्वेश्चन और बनाएंगे और उसके बाद ये असाइनमेंट खत्म करेंगे. मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन लिख लिया, और इसके भी ऑप्शंस, मैं 4th ऑप्शन को करेक्ट आंसर बनाता हूँ, 14. इधर दे देता हूँ -14 और यहाँ पे दे सकते हैं 9 और यहाँ पे -9. सब ऑल सेट है. आंसर की में जाके मेरे को ये 2 ऑप्शन आ गए, इसको एक को हटा देते हैं. 14 इज द करेक्ट आंसर और ये done. और ये असाइनमेंट बन चुकी है, रेडी है. आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टोटल पॉइंट्स 15, क्योंकि मैंने 5 नंबर के 3 सवाल दिए हैं. अब मैं इसको एक्स करके बाहर आ जाता हूँ और ये असाइन कर सकते हैं. 15 मार्क्स का दिया है हमने ये, तो हम इसको 15 मार्क्स का रखेंगे. इसकी ड्यू डेट मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 5 जून तक आ जाए, मैंने वो सेट कर दी. टाइम शाम को 5 बजे तक का दे दिया. और अब ये कौन से टॉपिक में जाएगा, तो ये मैं लेसन 1 में क्रिएट किया था, करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लेसन 1 चूज कर लिया और मेरा ये असाइनमेंट रेडी है. अब इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है, ये देखिए अनदर रैशनल नंबर असाइनमेंट आ गया है. मैं इसको जाके चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकता हूँ. तो मैं ये जो 3 डॉट्स है इस आइटम के सामने, मैं यहाँ पे एडिट दबाता हूँ. मेरे को चेंज ये करना है कि मैं ये सारे बच्चों को नहीं देना चाहता, मैं ये सिर्फ कुछ जो वीक स्टूडेंट्स है उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूँ. मैंने ये सेलेक्ट ऑल हटा लिया
और अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ नीलिमा नाम की जो स्टूडेंट है उसको ये जाए, तो ये अब सिर्फ नीलिमा को जाएगा। और जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये बताएगा भी कि ये असाइनमेंट जो है सिर्फ वन स्टूडेंट को असाइंड है, और मैं क्लिक करूंगा तो उसने नीलिमा का नाम भी बता दिया कि किसको ये असाइंड है। तो इस तरीके से ये, अब आप देखिए असाइंड में सिर्फ एक स्टूडेंट का नाम है, तो ये हमारा एक और असाइनमेंट तैयार हो गया। तो ये था कि क्लासवर्क टैब को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन और बटन है, एक मीट का है, तो इसको दबा के हम डायरेक्टली गूगल मीट का बटन शुरू का मीटिंग शुरू कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर, और ये बड़ा अच्छा फीचर है, गूगल कैलेंडर में दबाऊंगा तो ये सीधा जो हम सबका जीमेल का गूगल का जो कैलेंडर होता है उसमें डाल देगा। तो आप देखिए लेफ्ट साइड पे ये माय कैलेंडर्स में बता रहा है स्टैंडर्ड 7, ये जो मेरी क्लासरूम का नाम है उस नाम से ये कैलेंडर बनाया है उसने। और यहाँ पर पर्पल कलर में देखूंगा तो ये देखिए असाइनमेंट्स जहां जहां पे भी ड्यू हैं वो सारे इसने मुझे बता दिए, तो मैं अपने कामों को भी ऑर्गेनाइज आसानी से कर सकता हूँ। ये गूगल क्लासरूम का फायदा है। एक और गूगल क्लासरूम का बहुत फायदा है कि ये गूगल ड्राइव में क्लास का एक फोल्डर बना देता है, और जो भी मटेरियल बच्चों का आया है या हमने बच्चों को दिया है वो सब यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो मैं इसको क्लिक किया और इसने मेरे को गूगल ड्राइव पे ले गया, ये देखिए। और ये स्टैंडर्ड माय ड्राइव में ये क्लासरूम का फोल्डर मैंने नहीं बनाया है, गूगल ने ऑटोमेटिकली बनाया है। ये स्टैंडर्ड 7 भी मैंने नहीं बनाया है, सब ऑटोमेटिकली बना है, मैंने कुछ नहीं किया, गूगल क्लासरूम ने अपना बनाया। तो हर क्लास का अलग अलग फोल्डर बन जाता है, और इसमें असाइनमेंट 1, 2, 3, 4 जितने भी तमाम असाइनमेंट है, अगर हम कोई भी असाइनमेंट खोल के देखेंगे, मान लीजिए असाइनमेंट 6 देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट किया है, जैसे मैंने कहा था ना पहले कि स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कॉपी बनाऊं, तो देखिए स्टूडेंट का नाम है, असाइनमेंट का नाम है, स्टूडेंट का नाम, असाइनमेंट का नाम, तो अलग अलग स्टूडेंट के यहाँ पे असाइनमेंट्स मेरे पास सबमिशन में आ गए और मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन्ड है उसका। तो ये था कि गूगल क्लासरूम में ड्राइव के साथ भी कैसे इंटीग्रेट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग स्टूडेंट्स को कैसे, स्टूडेंट्स इसको कैसे रिसीव करेंगे। तो अब एक और विंडो पे हम जाते हैं, और यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है एक स्टूडेंट के नाम से, तो ये नीलिमा जिसको मैंने अभी असाइनमेंट दिया था उसी का ये लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आइकन बदल गया है, क्लास का नाम वही है लेकिन यहाँ पे आइकन बदल गया है, ये एरो नहीं है, नीलिमा इन दो क्लास की टीचर्स है, टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट है। जब वो यहाँ पे अंदर जाती है तो उसको कैसे ये पूरा गूगल क्लासरूम दिखता है, तो आप देखिए अब की बार उसको सिर्फ तीन ही टैब है, चार टैब नहीं है, स्ट्रीम, क्लासवर्क और पीपल, और जो भी अनाउंसमेंट्स मैंने पोस्ट किए थे वो सब यहाँ पर मौजूद है, वो ये पढ़ सकती है। और वो अगर क्लासवर्क में जाएगी तो उसने, उसको ये सब दिखेगा, जो भी अलग अलग मटेरियल हम लोगों ने शेयर किया था, बनाया था, वो सब इसको यहाँ दिख रहा है, वो इसको एक्सेस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडाइसिस में आ जाएं तो ये टेक्स्ट बुक मिल गया उसको, टेक्स्ट बुक का, ऐसे ही अलग अलग उसको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगर उसको अपना काम देखना है कि क्या क्या उसको पेंडिंग काम है, असाइनमेंट्स, तो यहाँ पे है व्यू योर वर्क, ये वही टैब है जो आइकन है जो स्टार्टिंग में भी था, अगर हम क्लासरूम के बाहर होते तो यहाँ पे भी वही टैब है, और अंदर जाने के बाद जब मैं क्लासवर्क में आता हूँ तो इधर भी वही है। और जैसे ही मैंने इसको खोला तो पूरा क्लास ज्वाइन करने के बाद डे वन से लेके अब तक मैंने कितने असाइनमेंट किए हैं स्टूडेंट ने वो सब दिखा रहा है, उस पर कितने मार्क्स मिले ये भी दिखा रहा है। देखिए इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट है, इस पे इसको 100 out of 100 मिल गए हैं, फिर असाइनमेंट 1 में 15 में से 12 मिले हैं, और ये सारा कौन से दिन कौन से टाइम सबमिट हुआ ये सब इसमें डिटेल आ चुके हैं। और यहाँ पे दो असाइनमेंट्स पे लिखा है असाइंड, यानी कि ये अभी करके देना है। तो हम लोग पहले इस स्क्वेयरिंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इसको करते हैं, तो हम जब इसको क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है, इसका कुछ अटैचमेंट दिख रही है, और व्यू डिटेल्स बोलूंगा तो ये मुझको पूरा असाइनमेंट बता देगा कि मेरे टीचर ने क्या क्या लिखा था। तो ये सारी चीजें आ गई, प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस वाला ये आ गया। अब सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए राइट साइड पे एक डायलॉग बॉक्स है, इसका नाम है योर वर्क, यहाँ पे लिखा है असाइंड, और क्योंकि हमने कहा था कि क्रिएट अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, तो फिर उसने ये कर दिया, नीलिमा के नाम से कर दिया है, आगे असाइनमेंट टेंट ये पूरा आ गया है। तो हम इसको जब क्लिक करेंगे तो ये गूगल डॉक खोल देगा, और जो भी मेरे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे वो दिखेंगे, और यहाँ पे आके आंसर कुछ भी
नीलिमा टाइप कर सकती है, इसको सबमिट कर सकती है, मैं अभी टाइम बचाने के लिए कुछ भी लिख देता हूँ, ये सारे गलत हैं, ठीक है, नाकाम बन जाता है। तो ये असाइनमेंट नीलिमा ने कर दिया है और अब उसको क्या करना है, ये अभी थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। तो तब तक आपको एक और चीज बताते हैं, अगर यहाँ पर योर वर्क में हम आए और ये नहीं दिखता, मान लीजिए टीचर ने सेलेक्ट नहीं किया होता मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, तो फिर क्या करते हैं, तो यहाँ पे ऐड और क्रिएट है, और जैसे ही इस बटन को दबाएंगे तो वो पूछेगा कि क्या क्रिएट करना है आपको। तो डिपेंडिंग ऑन असाइनमेंट क्या है, हो सकता है टीचर ने कहा प्रेजेंटेशन बनाओ किसी टॉपिक पे, तो वो स्लाइड्स में आ जाता। हो सकता है टीचर ने कहा होता है कि आप एसे लिख के दो, तो डॉक्स में आ जाता। मैथ्स का सॉल्व करो तो भी डॉक्स में आता। तो यहाँ पे डॉक्स का क्लिक करके वो अपने आप वापस से वो वर्ड फाइल खोलता या गूगल स्लाइड खोलता और असाइनमेंट कर सकते हैं बच्चे उसमें। अब देखिए ये सेट हो गया है, यहाँ पे ऊपर शेयर का बटन है और टर्न इन है। तो क्योंकि ये ब्लू में हाईलाइट हो रहा है तो लोग अक्सर इसको क्लिक कर देते हैं, इसको शेयर नहीं करना है, टर्न इन करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था गूगल क्लासरूम में सबमिट शब्द बार बार इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम होता है, तो यहाँ पे टर्न इन, इससे वो टीचर को सबमिट हो जाएगा। और ये आपको जब आप लोग आपके स्टूडेंट्स को करवा रहे होंगे गूगल क्लासरूम, तो आपको ये बच्चों को थोड़ा सिखाना पड़ेगा, आपको भी बच्चों का एक जूम पे लेक्चर लेना पड़ेगा अपना स्क्रीन शेयर करके कि कैसे वो बच्चे को सबमिट करना है। तो अब ये पूछ रहा है टर्न इन योर वर्क और ये अटैचमेंट चला जाएगा, और टर्न इन दबाया अगर नीलिमा ने तो फिर वो टीचर को सबमिट हो जाएगा। तो 50 पॉइंट्स का ये असाइनमेंट था, काम खत्म, ये भी खत्म, इसको एक्स करके बंद कर देंगे। अब नीलिमा वापस अपनी क्लासरूम में आ सकती है और ये आइकन दबा के अपने कामों में। तो अब देखिए असाइनमेंट 10 में टर्न्ड इन दिखा रहा है, यानी कि बच्चे ने सबमिट कर दिया है, इसको बंद कर सकते हैं। अब ये एक और असाइंड है, इसको करेंगे, तो हम चलिए इसमें जाते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई वर्क अटैच नहीं है, कोई बात नहीं, हमने अटैचमेंट नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स हैं, तो व्यू डिटेल्स पे हम जाएंगे और उसके बाद ये यहाँ पर हमको गूगल फॉर्म दिखा देगा, प्लीज फिल आउट दिस क्विज असाइनमेंट। तो देखिए यहाँ पे वो ऐड और क्रिएट बटन है, लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पे फिल नहीं करना है, तो हम ऐड फिल करना है फॉर्म, तो हम ऐड नहीं करेंगे, हम सीधा इस फॉर्म को दबाएंगे। और वो जो 3 सवाल हमको पूछे थे वो यहाँ पे मेरे सामने आ गए। अब मैं एज अ स्टूडेंट इनको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो -2 + 5 = 3 हो गया, -2 - 5 एक गलत आंसर दे देते 7 कर दिया, -2 - -7 + 14 ये कर दिया। और अब मैं सबमिट दबाऊंगा एज अ स्टूडेंट, तो फिर मेरे को वो बोलेगा व्यू स्कोर। तो मेरे को उसने बताया कि 10 out of 15 मार्क्स मिल गए हैं, कौन सा सही है, फीडबैक दे दिया उसने एक्सीलेंट, कौन सा गलत है वो भी फीडबैक दे दिया, ट्राई अगेन, और ये हो गया। तो इस तरीके से नीलिमा ने जो स्टूडेंट है उसने अपने सारे काम कर दिए हैं खत्म। अब अगर वो अपने क्लासरूम में जाएगी तो उसको ये भी टर्न्ड इन दिखेगा और उसका काम खत्म हुआ। अब देखते हैं कि टीचर इसको कैसे ग्रेड कर सकते हैं। तो मैं वापस टीचर वाले, अब ये मेरा लॉगिन है एज अ टीचर, तो मैं अब टीचर वाले में जा रहा हूँ। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि कैसा कैसा बच्चों ने किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे मार्क्स वाले टैब में, और यहाँ पे ये पूरी एक ग्रेड बुक दिखा रहा है। इस ग्रेड बुक को मैं आपको समझाता हूँ, लेफ्ट साइड पे सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं और राइट साइड पे जो हैं ये सारे असाइनमेंट्स के नाम हैं। तो जो भी असाइनमेंट डे 1 से अब तक हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड इसमें है। और आप देखिए कि ये जो मेरा पहला इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट था इसको सब बच्चों ने सबमिट किया है या नहीं किया है, ये मिसिंग दिख रहा है, यानी कि स्टूडेंट ने अभी तक सबमिट नहीं किया है। किसी ने लेट दिया था तो ये डन लेट है, ये जो भी स्टूडेंट है। फिर जिसको जितने मार्क्स मिले हैं और वो कमेंट के साथ आ गया, ये मैंने मार्क नहीं किया, ये मतलब डन लेट या मिसिंग ये अपने आप कंप्यूटर ने किया है। बाकी असाइनमेंट्स भी हैं और ये देख सकते हैं कि ये बच्चे ने अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, किसने किया है किसने नहीं किया है वो भी यहाँ पे दिख जाता है। और अब आप देखेंगे हमने जो अभी 2 असाइनमेंट किए थे, तो ये असाइनमेंट नंबर 10 था और अनदर। आप देखिए ये सब स्टूडेंट्स को जो अनदर असाइनमेंट है ये नॉट असाइंड आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही स्टूडेंट को दिया था, और ये वाला सबके लिए है, ओपन है। तो अभी जब बच्चे सबमिट करके देंगे तो उनके मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। मैं फिलहाल ये असाइनमेंट खोलता हूँ और यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, 6 बच्चों को असाइंड है, 1 ने बच्चे ने हैंड इन किया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है सारे स्टूडेंट्स, किसी ने सबको असाइंड है, हैंड इन यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा
और मैं ये मेरे को असाइनमेंट दिखाएगा कि बच्चे ने क्या काम करके दिया है, तो ये उसके आंसर्स हैं 45, 4x और 35, तो मुझे मालूम है कि आंसर्स गलत है, तो 50 में से इसको मैं सिर्फ 5 मार्क्स देना चाहूँ या जो भी देना चाहूँ दे सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स दे दिया मैंने और काम खत्म। इसके अलावा हमको एक चीज ये है कि यहाँ पर हम बच्चों को कमेंट्स दे सकते हैं, तो ये जो गलत आंसर है इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कमेंट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे कमेंट डाल सकता हूँ, दिस इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन, और मैं कमेंट करूंगा तो ये स्टूडेंट को दिखेगा जब वो अपना इस असाइनमेंट को खोलेगा। और इसमें एक और बड़ा अच्छा फीचर है कि कई बार क्या होता है कि पूरी क्लास में एक ही तरह की बच्चे गलती कर रहे होते हैं या कोई काम बहुत अच्छा बच्चों ने किया होता है तो टीचर को सबको वेरी गुड कहना है या सबको एक्सीलेंट कहना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन पे मेरे को कहना है तो मैं वापस यहाँ कॉमेंट बताऊंगा, और यहाँ पे कॉमेंट बैंक की फीचर है, तो देखिये यहाँ पे ऊपर ग्रेडिंग लिखा है और इधर कॉमेंट बैंक लिखा है, तो मैं कॉमेंट बैंक दबाऊंगा तो इसमें ये सारे कॉमेंट्स जो है मैंने पहले से ही लगा के रखे हुए हैं, और ऐड टू बैंक करके मैं एक नया कमेंट भी ऐड कर सकता हूं, तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मान लीजिए एक्सीलेंट कीप इट अप है, अब मुझे अगर 50 में से 17 बच्चों को एक्सीलेंट कीप इट अप लिखना है तो बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस डायलॉग बॉक्स में आऊंगा कमेंट वाले में और मैं हैश दबाऊंगा, हैश। जैसे ही हैश दबाया उसने नीचे ये सारे पॉपुलेट कर दिए अपने आप जो भी कॉमेंट्स कॉमेंट बैंक में थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कई सारे कॉमेंट है तो वो एक्सीलेंट वाला दिख नहीं रहा, तो कुछ नहीं, एक्सेलेंट टाइप करना शुरू कीजिए, वो अपने आप पकड़ लेगा, और उसने पकड़ लिया एक्सेलेंट कीप इट अप, और इसके आगे आप या ऐसे यूज कर सकते हैं या जोड़ के भी, कुछ मैंने डॉट्स दो लगा दिए और कुछ भी और लिख के मैं कमेंट कर दूंगा तो वो भी कमेंट स्टूडेंट को दिखेगा। अब ऊपर दिख रहा है यहाँ पे नॉट रिटर्न्ड, यानी कि ये मैंने बच्चे को रिटर्न नहीं किया है चेक करके, लेकिन अब मैंने चेक कर लिया है, मैंने कमेंट भी दे दिया है, मैंने उसको ग्रेड भी दे दिया है, मैं चाहूं तो और एक प्राइवेट कमेंट लगा के देख सकता हूं जो सिर्फ इस बच्चे को मिलेगा, मैं लिख सकता हूं यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, कुछ भी मैं लिख सकता हूं, और इसको मैं रिटर्न दबा दूंगा तो अब दिस स्टूडेंट विल बी नोटिफाइड और उसको ये मिल जाएगा कि सर ने चेक करके भेज दिया है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए अब मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो नीलिमा का नाम दिखता है, 5 out of 50 दिखता है। अब मैं आराम से अलग अलग स्टूडेंट्स को जाके स्क्रोल कर सकता हूं, तो ये जो मेरे नेक्स्ट स्टूडेंट है इनका असाइनमेंट खाली है, इन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है, हर एक बच्चे के सामने वही लिखा हुआ है, और वो जब बच्चे कर देंगे तो इसमें दिखना शुरू हो जाएगा, जब तक नहीं किया है तब तक कोई बात नहीं, हमको वेट करना होगा बच्चों के लिए, और ये ग्रेडिंग हो गई, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अब मैं वापस अपने मार्क्स वाले सेक्शन में आ गया हूँ, तो मैं वापस आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हम क्लास में आए, ऊपर मार्क्स में चले गए, अब देखिए असाइनमेंट नंबर 10, 5 मार्क्स जो हमने भी दिए थे ये ऑटोमेटिकली ग्रेड बुक में आ चुका है। तो अब हम एक और काम करेंगे कि ये जो क्विज असाइनमेंट थी उसको भी हमको ग्रेड करना है, तो मैं यहाँ आ गया अनदर रैशनल नंबर पे, और यहाँ पर भी बच्चे ने सबमिट कर दिया है, देखिए दिखा रहा है हैंडेड इन। अब ये ग्रेड ऑटोमेटिकली ग्रेड बुक में जाना चाहिए जो उसके मार्क्स उसको मिले थे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है इंपोर्ट ग्रेड्स, तो स्टार्टिंग में जब हम क्विज असाइनमेंट बना रहे थे तो वहां पे ग्रेड इंपोर्ट का ऑप्शन हमने चालू रखा था, तो इसलिए ये इंपोर्ट ग्रेड्स बोल रहा है। जैसे ही मैं इंपोर्ट करूंगा इसको तो जितने भी बच्चों ने ये फॉर्म भर के दिया होगा उन सब के मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, मेरे को हाथ से देने की जरूरत नहीं है। और अब देखिए मैं वापस क्लासरूम में आता हूँ, फिर मार्क्स में जाता हूँ, तो ये नीलिमा का ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया 10 out of 15, और अब ये मुझको पूछ रहा है कि इसको सेव कर दें, तो मैं बच्चे को रिटर्न कर दूंगा अगर रिटर्न बोल के, तो फिर बच्चे को मैं यहाँ पे कमेंट दे सकता हूँ गुड जॉब, और अब स्टूडेंट को भी नोटिफाई हो जाएगा कि सर ने या मैडम ने उसका असाइनमेंट देख लिया है और मेरी ग्रेड बुक में यहाँ पे इस बच्चे के मार्क्स एंटर हो गए। तो इस तरीके से पूरा काम गूगल क्लासरूम ने अपने आप कर दिया है। यहाँ पे ऊपर क्लास के एवरेज दिखा रहा है 10, 5, तो ये 100 में से है नहीं है, ये एवरेज है जितने भी मार्क्स का वो था, फॉर एग्जाम्पल ये 100 मार्क्स का था तो इसका 94 एवरेज है, ये 15 मार्क्स का था इसका 12.67 एवरेज है, अलग अलग क्वेश्चन के एवरेज उसने निकाल के दे दिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने मार्क्स टैब का इस्तेमाल करके
डायरेक्टली ये ग्रेड बुक तैयार कर ली है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम किसी भी स्टूडेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख सकते हैं कि उसने पूरे टर्म में कितने असाइनमेंट्स कैसे किए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये केदार नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखूंगा, तो खाली उसके नाम पे क्लिक किया और उसने मेरे को ये पेज ओपन करके दे दिया। अब शुरू से लेके अब तक आप देख सकते हैं कि यहाँ राइट साइड पे असाइंड लिखा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक इस स्टूडेंट ने रिटर्न नहीं किया है, टर्न इन नहीं किया है असाइनमेंट मेरे को, टीचर को, तो ये अभी भी कंप्लीटेड नहीं है। लेकिन ये असाइनमेंट 9 कंप्लीटेड है, 12th जून को इसने दिया था और ये 8 नंबर मिल गए इसको 10 में से। ऐसे हर एक रिकॉर्ड असाइनमेंट का इसमें रिकॉर्ड है। देखिए असाइनमेंट 5 इसने नहीं किया है, असाइनमेंट 2 भी नहीं किया है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे मिसिंग लिखा है रेड कलर से, तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि इस असाइनमेंट की ड्यू डेट खत्म हो चुकी है और इसने अभी तक इस असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया है। तो इस तरीके से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, और अगर पूरी क्लास का अगर हमको रिकॉर्ड देखना है तो ये जो मार्क्स वाले टैब का ओपनिंग स्क्रीन है उससे हम पूरे क्लास का एवरेज भी देख सकते हैं। तो ये था कि कैसे टीचर्स गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना काम आसान करने के लिए। अब मैं आपको एक और ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड टीचिंग भी हम कर सकते हैं जब हम अपने किसी वीडियो लेक्चर में हैं। तो ये वापस हम लोग गूगल एप्स पे जाते हैं जो 9 डॉट्स दिए हुए हैं राइट हैंड साइड टॉप पे, और यहाँ पे अगर आप स्क्रोल करेंगे तो एक ऐप है जैमबोर्ड। जैमबोर्ड, तो मैं ये जैमबोर्ड खोलता हूँ और ये दिखा रहा है कि यू डोंट हैव अ जैम येट, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस नीचे जो बॉटम राइट कॉर्नर पे है उसको क्लिक करूंगा तो ये एक नया जैम खोलेगा, जैमबोर्ड खोलेगा मेरे लिए। और ये बस एक वाइट स्क्रीन है जिसपे हम लोग पेन्स यूज करके, ये लेफ्ट साइड पे अपने को पैनल है इसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पेन जो है 4 अलग अलग टाइप के पेन और 6 कलर्स दे रहा है। तो मान लीजिए मैंने मार्कर चूज किया और मैं ग्रीन कलर से लिखना चाहता हूँ, सो आई कैन जस्ट राइट अबाउट एनीथिंग। तो ये मैंने हाय मैसेज लिखा है। लेकिन इसमें और एक कूल फीचर है, वो ये है कि बैकग्राउंड अगर आप ऊपर देखेंगे तो बैकग्राउंड में इसने अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं ये पूरी स्क्रीन को डॉटेड कर सकता हूँ या लाइन वाला बना सकता हूँ या फिर उसको छोटे छोटे स्क्वायर्स का बैकग्राउंड दे सकता हूँ। कलर भी चेंज कर सकते हैं, पूरा ब्लू दे सकता हूँ या फिर पूरा ब्लैक भी दे सकता हूँ। और फिर यहाँ से कलर चेंज करके मान लीजिए वाइट से कुछ लिखा और अलग अलग कलर से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है इरेजर का, तो इरेजर से हम लोग मिटा भी सकते हैं। और यहाँ पे एक और फीचर है कि मैं एक स्टिकी नोट चिपका सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसमें कुछ भी सैंपल टेक्स्ट लिख दिया है और कितने भी बना सकते हैं हम ऐसे, इसके भी कलर्स चेंज हो सकते हैं। मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये यहाँ पे सैंपल टेक्स्ट जो हमने बनाया वो मिल गया। और इसको किधर भी स्क्रीन पे मूव किया जा सकता है, हम इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जैसे हम बॉक्स का साइज बड़ा करेंगे टेक्स्ट भी बड़ा होता है, इसको थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एड इमेज है, तो अगर डेस्कटॉप पे मेरी कोई इमेज हो या कहीं नेट से मुझको ढूंढनी हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज है सोलर सिस्टम कैलकुलेशंस, तो खाली एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। और आप देखेंगे कि इस इमेज के साथ में मैं वही सब कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, इसको छोटा कर सकता हूँ, इसको थोड़ा रोटेट कर सकता हूँ, इस तरह से भी कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे ये लेजर पॉइंटर भी है, मैं कुछ बता रहा हूँ तो ये थोड़ी देर तक फ्लैश होगा और फिर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी टीचिंग जब अपना वीडियो लेक्चर चल रहा होगा उसी में कर सकते हैं, और ये क्लियर फ्रेम दबाने से पूरा एम्प्टी हो जाता है। एक और चीज जो इसमें कर सकते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक क्रिएट फ्रेम करके एक एरो दिख रहा है, तो एक और फ्रेम क्रिएट हो जाएगी। इसने मेरे को व्हाइट फ्रेम दे दी वापस, मैं अब की बार बैकग्राउंड ब्लू ले सकता हूँ और मैं कुछ और इसमें ब्लैक या येलो से मान लीजिए मैंने एक मार्कर लिया और मैं कुछ और लिख सकता हूँ और वो यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम इसको सेव करेंगे तो ये वापस, क्योंकि ये सारी गूगल के एप्स है तो ये गूगल ड्राइव में एक जैमबोर्ड नाम का फोल्डर बन जाता है और उसमें ये आपके सारे, तो मान लीजिए ये मैं सेव करूंगा तो ये दोनों भी जैमबोर्ड्स जो हैं
अभी अवेलेबल है, वहां पर मिल सकते हैं। और आप अपनी सारी लेक्चर्स अगर इस पे कर रहे हैं तो फिर आप 4 साल बाद 5 साल बाद उन लेक्चर्स के जैम बोर्ड्स को रिट्रीव भी कर सकते हैं। एक और इसमें अच्छा फीचर ये है कि यहाँ ऊपर देखिए राइट साइड पे शेयर का बटन है, ये शेयर करके आप इस जैम बोर्ड को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर अगर करेंगे तो वो भी साथ में रियल टाइम पढ़ाते पढ़ाते जिस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं वो भी इसमें चीजें ड्रॉ कर सकते हैं या कुछ इमेज डाल सकते हैं और आपका एक कोलैबोरेटिव वर्क या डिस्कशन हो सकता है। तो ये है गूगल जैम बोर्ड के बारे में। अब हम लोग क्लास में रिटर्न करते हैं गूगल क्लास में, और एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई वो मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए क्लास को डिलीट करना हो हमें तो क्या करना है। तो मैं अभी यहाँ मेन पेज पे हूँ। गूगल क्लासरूम में क्लासरूम को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, हम उसको आर्काइव कर सकते हैं और आर्काइव में से जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक सेफ्टी फीचर है जिससे कि टीचर्स का इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो गलती से जल्दबाजी में डिलीट ना हो जाए। तो देखिए मैं आपको ये क्लास को डिलीट करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे ये जो पूरा पैनल आया है इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जब क्लास में जाएंगे और यहाँ पे क्लास के सामने 3 डॉट्स है राइट हैंड साइड पे मेरी क्लासरूम के सामने, तो यहाँ पे मैं जाके आर्काइव कर सकता हूँ। और जब मैं ये क्लास को आर्काइव दबा दूंगा तो मेरी क्लास आर्काइव हो जाएगी। और अब यही लेफ्ट साइड के पैनल पे देखिए आर्काइव्ड क्लासेस है, मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे ये क्लास मौजूद है, तो मैं सारे असाइनमेंट्स जो मैंने इसमें दिए थे वो देख सकता हूँ, इसने सारा रिकॉर्ड बना के रखा है। अब हम ये करेंगे कि आर्काइव्ड क्लासेस में जाके इसको यहाँ से आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं या आप रिस्टोर कर सकते हैं ताकि ये वापस आपके क्लास के डैशबोर्ड पे दिखने लग जाए। तो मैं इसको रिस्टोर करूंगा। एक चीज ये कर सकते हैं कि टीचर्स के लिए एडवाइस ऐसा है कि मान लीजिए आपने एक एकेडमिक ईयर में एक पूरी क्लासरूम को यूज किया, अब नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा क्लास को पढ़ाना है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं उसमें, या आपको हर एक क्लास का अलग कॉपी मेंटेन करना है, तो आप यहाँ से इस क्लास को कॉपी भी कर सकते हैं और आर्काइव में भी एक रहेगा और आपका करंट क्लास भी रहेगा, तो उसमें पूरी चीजें सारे लर्निंग मटेरियल असाइनमेंट्स आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद मॉडिफिकेशन। तो अगले साल आपको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास आपका आर्काइव्ड कॉपी भी क्लासरूम्स का मेंटेन रहेगा। सो थिंक 5 years डाउन द लाइन आपके पास पूरे जितने आपने क्लास पढ़ाए उन सबका रिकॉर्ड भी मेंटेन्ड है और आपके डैशबोर्ड पे सिर्फ करंट क्लासेस दिख रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी सिस्टम है। मैं इस क्लास को रिस्टोर कर देता हूँ और मेरा डैशबोर्ड वापस पहले जैसा हो जाएगा। एक आखिरी फीचर जो हम लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ वो है रीयूज ऑफ पोस्ट का। तो मैं इस क्लासरूम में आता हूँ और क्लासवर्क में जाएंगे हम लोग, और मान लीजिए हम लोगों को एक नई पोस्ट रीयूज करनी है, तो मैं क्रिएट में आके रीयूज पोस्ट दबाता हूँ, तो ये मुझको जितने भी मैंने पोस्ट्स आज तक बनाई हैं वो सब यहाँ पर दिखा देगा। और इसमें से जो पोस्ट मैं रीयूज करना चाहता हूँ, मान लीजिए ये असाइनमेंट नंबर 4 मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये मुझे दोबारा यूज करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और लेफ्ट साइड पे ये एक चेकबॉक्स है क्रिएट न्यू कॉपीज ऑफ ऑल अटैचमेंट्स, तो हाँ इसको हम करके रीयूज दबाएंगे तो ये सारा अपनी पोस्ट दोबारा हमारे सामने ला देगा, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने नए असाइनमेंट के हिसाब से और उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर गूगल क्लासरूम में है। तो ये था कि एज अ टीचर हम लोग गूगल क्लासरूम को गूगल के बाकी एप्स के साथ किस तरह से कॉम्बिनेशन में यूज करके अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं, अपनी टीचिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो जो वीडियो लेक्चर्स होता है वो हम अलग अलग एप्स के थ्रू करते हुए जितना भी ऑफलाइन काम है टीचिंग से रिलेटेड उसको मैनेज करने के लिए ये गूगल क्लासरूम हमको मदद करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप गूगल क्लासरूम के बारे में सब समझ रहे हैं, आप खुद भी इसको वर्कआउट करेंगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे और सब लोग बढ़िया गूगल क्लासरूम्स बना के अपनी टीचिंग को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। इसके बाद हम एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, तो स्टूडेंट्स कैसे इसको सीख ले उसके बारे में भी एक वीडियो शॉर्टली आएगा। तो आप इंतजार करिए स्टूडेंट्स के साइड से गूगल क्लासरूम के डेमो के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।